अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल। अ फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल एक्स विद डोमेन डी इज़ अ रूल डेट असाइन अ यूनिक रियल नंबर्स टू ईच नंबर एक्स इन डोमेन। हमारे पास फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ अ रियल नंबर, रियल नंबर्स का फंक्शन होता है रियल नंबर्स। हमारे रियल वेरिएबल्स एक्स हमारे पास क्या है? रियल वेरिएबल्स मीन एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव वन से लेके अप टू सोन इन्फिनिटी या नेगेटिव वन से लेके अप टू सोन इन्फिनिटी इंक्लूडेड जीरो अगर हम पुट करते जाएं विद डोमेन डी। डोमेन डी मीन एक्स की वो वैल्यूज जहाँ पे हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। इज़ अ रूल डैट असाइन अ यूनिक रियल नंबर्स टू ईच नंबर एक्स इन डोमेन। कहता है एक्स जो है डोमेन का नंबर उसको पुट करने से हमारा जो फंक्शन है उसका आंसर जो क्या होगा एक यूनिक रियल नंबर आंसर देगा। अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यूज पुट करते जाएं और फंक्शन का आंसर हमारे पर यूनिक आता जाए तो एक्स क्या होगी? वो डोमेन होगी। सो ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे फंक्शंस की वैल्यूज यूनिक आते जाए उनको हम क्या कहते हैं? फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल्स। नेक्स्ट फंक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शंस आर ऑफन गिवन लेटर नेम। सम जो हमारे पास हमने काफ़ी जगहों पे देखा है कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो किन फॉर्म में गिवन होते हैं? लेटर नेम्स में, लाइक एफ जी कैपिटल एफ और फाई फॉर्म में। समटाइम हमने फंक्शंस पढ़े होंगे फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ वाई। सो ये हमारे पास क्या है? लेटर नेम जिसमें हमने अपने जो फंक्शन को देखा हुआ है। इफ एफ इज़ अ गिवन, इफ एफ इज़ अ फंक्शन एंड एक्स इज अ नंबर इन इट्स डोमेन डी देन एफ ऑफ एक्स इज प्रोनाउंस्ड एफ ऑफ एक्स। जब भी हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ फंक्शन हो मीन एफ एक्स एफ ब्रैकेट में एक्स उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एफ ऑफ एक्स फॉर्म में। इफ एफ इज अ फंक्शन वी समटाइम लेट वाई डिनोट द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स। सो कहते हैं अगर हमारे पास एफ फंक्शन है तो हम वाई से डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स को। सो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें जो हमारे पास एक्स होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मीन x क्या होता है? उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती रहती है और हमारे पास जो भी हम x की वैल्यू दे उसमें हमारा जो आंसर है वो क्या आता है? कुछ जो यूनिक किस्म का आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास y डिपेंडेंट होते हैं और x क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और हम इकोनॉमिक्स में y को एंडोजेनियस बोलते हैं, मीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एंडोजेनियस बोलते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सोजेनियस बोलते हैं। अब हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास लाइक हमारे पास एक नंबर है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमने क्या डेफिनेशन में डिस्कस किया कि रियल नंबर्स को पुट करने से फंक्शन में हमारे पास क्या आता है? फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू असाइन करता है हमें। सो अगर हम हमारे पास फंक्शन में एक्स की जगह वैल्यू हो वन बाय टू तो एक्स की जगह पे वन बाय टू पुट किया है उसका स्क्वायर प्लस वन। इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या है? फाइव बाय फोर। इसी तरह एक और अगर हम फंक्शन लें उसमें असाइन किया एक्स की वैल्यू को अंडर रूट टू, फंक्शन में एक्स की जगह पे अंडर रूट पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आया? थ्री। सो ये हमारे पास क्या होंगे? ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स जो कि डोमेन के नंबर्स हैं वो पुट करने से जो आंसर है वो एक यूनिक आंसर हमें असाइन करे फंक्शन। तो ऐसे नंबर्स जो पुट करने से फंक्शन का आंसर आता है उनको हम क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ आ वन रियल वेरिएबल्स। नेक्स्ट एक और इसकी एग्जांपल है। फर्स्ट रूल तो ये था कि एक्स अगर हम पुट करने से फंक्शन में एक्स की वैल्यूज पुट करें तो वो हमारे पास किसकी एग्जांपल थी? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसको और मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की भी एग्जांपल्स दी जाती हैं, वो देखते हैं हम कैसे। द टोटल डॉलर, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल है द टोटल डॉलर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। इस तरह की एग्जाम्पल हमारे पास इकोनॉमिक्स में भी शो होती हैं। द टोटल डॉलर्स कॉस्ट क्या है? प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट मीन इतने यूनिट्स जो है वो प्रोडक्ट क्या है प्रोड्यूस की जा रही है इज गिवन बाय सी ऑफ एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है 100 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 500। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग 1600 एंड आ, ये भी एक यूनिट है एंड आ ये यूनिट्स मीन इस पे और इस पे और इस पे हमने क्या करना है? कॉस्ट ऑफ
प्रोड्यूसिंग मतलब कि जो हमारे पास ये फंक्शन है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइंड आउट करने किन यूनिट्स पे, 16 पे, 100 पे और ए पे। सपोज द फिल्म प्रोड्यूस आर यूनिट्स, फाइंड द, हमने क्या करना है इन यूनिट्स पे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंक्रीज इन द कॉस्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। सो इन एक जो है यूनिट इंक्रीज करके उसके हमें जो एडिशनल यूनिट है उसकी प्रोड्यूसिंग क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हमारी 16 यूनिट पे, 100 यूनिट्स पे और ए यूनिट पे क्या है। फिर हमने ए यूनिट से आगे एक स्टेप चल के उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इस फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। सो अब देखें कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 16 यूनिट, हमारे पास फंक्शन क्या है, सी ऑफ एक्स कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट को। सो सी ऑफ एक्स गिवन था 100x अंडर रूट एक्स प्लस 500। सी ऑफ एक्स की जगह पे हमने 16 यूनिट पुट किए, सो 100 इंटू 16 अंडर रूट 16 प्लस 500। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है 4 प्लस 500, इनको इसको मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें ऐड करिए, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या था 6400, उसमें 500 ऐड किया हमारे पास क्या है 6900। सिमिलरली 10 यूनिट्स पुट किया हमने इसमें, तो वो आपके पास क्या आया, सी ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 एक्स की जगह पे 100 पुट कर दिया प्लस 500, इसको सॉल्व किया हमारे पास ये आंसर आया। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट क्या था, सी ऑफ ए, ए यूनिट पे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइंड आउट करने, जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स था वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे ए प्लस 500। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा था, फाइंड द इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने मीन ए से आगे जो कॉस्ट है हमारे पास। सो इंक्रीजिंग हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज हो तो उसमें क्या होती चीज़ें एडअप होती हैं, सो ए में हमने 1 ऐड किया, सो इंक्रीजिंग कॉस्ट हमारे पास क्या आएगी 100, जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ वहाँ पे हम ए प्लस 1 अंडर रूट ए प्लस 1 पुट कर देंगे प्लस ये 500 एज इट इज़ रहा। अब हमने इंक्रीज इन कॉस्ट अगर फाइंड आउट करनी है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इंक्रीज माइनस उससे प्रीवियस वाली कॉस्ट, अगर हम ये अप्लाई करेंगे देन हम बता सकेंगे कि कितनी जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हुई है। सी ऑफ ए प्लस 1 माइनस सी ऑफ ए, बेसिकली हमारे पास इंक्रीज इन कॉस्ट इस सेंस में भी आ जाती है कि अगर हमने रेवेन्यू किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करना हो, सम टाइम में इसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में हम इनको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं इंक्रीज अगर कॉस्ट फाइंड आउट करें, और मैथमेटिक्स में हम इनको रेवेन्यू भी बोल सकते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में। सो रेवेन्यू हम हमेशा कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट होता है उसमें से हम कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ 10 की लेते हैं और उसको हम किस जो देते हैं किसी को 15 की देते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट होगा क्या होगा, 5 ही होगा। सो अगर हम 5 में से जितने की वो चीज़ आई थी वो सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी अगर हमने 15 की कोई प्रोडक्ट सेल की है और 10 की ली थी तो देखें 15 में से माइनस 10 करेंगे तो ये 5 बढ़ेगा, ये हमारा क्या होगा, रेवेन्यू। सो ऐसे ही इंक्रीज इन कॉस्ट की जब बात हो और उसका हमने इंक्रीज इन कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी हो तो बेसिकली उसका मेन क्या होगा, हमने रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास ये हमने एक यूनिट लिया इंक्रीज इन कॉस्ट, माइनस उसमें से उससे प्रीवियस जो कॉस्ट थी वो सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है, मीन इतने की हमने चीज़ ली थी और इतने की हमने सेल कर दी। सी ऑफ ए प्लस 1 माइनस सी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सी ऑफ ए प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दी माइनस ये सी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको एज इट इज लिखा, इसका एक स्टेप मैंने मिस किया, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, ये एज इट इज लिखेंगे, अगर ये माइनस है तो ये चीज़ एज इट इज आएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि इनको और इसको कंबाइन करके लिख दिया है, प्लस 500 और ये प्लस माइनस माइनस होगा 500 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों में क्या 100 कॉमन आ रहा है, सो पीछे आपके पास क्या आएगा, ए प्लस 1 अंडर रूट ए प्लस 1 माइनस अंडर रूट ए। सो दिस इज द कॉल्ड कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, मार्जिनल कॉस्ट। सो इस कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ये भी आपके पास एक टाइप है फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल क्वेश्चंस की ही। सो यहाँ तक हो गया हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट।